बेबी होने के बाद मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली थी। 7:30-8:30 बजे निकलती हूँ तो मेरा बच्चा सो रहा होता है, रात को जाती हूँ 11-12 बजे तब मेरा बच्चा सो रहा होता है। जिनके साथ मैंने 20 साल पहले अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की थी, आज फिर से मैं अपने करियर को रीस्टार्ट कर रही हूँ विथ राजन। गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड, मुझे बहुत अच्छे अच्छे रोल्स, बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आए थे बीच में, लेकिन शायद अनुपमा के लिए प्रिपेयर कर रही थी। हाँ एक्चुअली मैं अनुपमा के लिए प्रिपेयर कर रही थी पिछले 7 साल से। नहीं, आफ्टर मेरा बेबी होने के बाद, सी अगेन अनुपमा वाला चक्कर, बेबी होने के बाद मेरे लिए मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली थी। एंड जब आप शूटिंग करते हैं टेलीविजन शो की खासकर, तो आप यहाँ 12-14 घंटा स्पेंड करते हैं। अभी जब मैं सुबह आती हूँ तो सवेरे 7:30-8 बजे निकलती हूँ तब मेरा बच्चा सो रहा होता है, रात को जाती हूँ 11-12 बजे तब मेरा बच्चा सो रहा होता है। सो आई काइंड ऑफ यू नो दैट्स वन थिंग दैट आई रियली मिस। तो शायद इन 7 सालों में मैं अपने बच्चे के साथ मैक्सिमम टाइम बिताना चाहती थी उसके ग्रोइंग अप ईयर्स में। और एक्चुअली जब अनुपमा आया, द एक्टर एंड मी गॉट ग्रीडी, सडनली ऐसा लगा कि अरे मैं एक्टर हूँ, मैं भूल गई थी कि मैं एक्टर। जब लोग आके कहते थे अरे वी लाइक यू एज दिस वी लाइक इज दैट, वो कनेक्ट नहीं हो पाता था क्योंकि मैं सिर्फ माँ थी। या दैट्स ऑल्सो लाइक द रीज़न टू कम बैक टू अनुपमा, के कल को जब मेरा बच्चा देखेगा, मेरे हस्बैंड जिन्होंने ये यू नो ही इज़ टेकन द बोल्ड स्टेप कि तुम जाओ डू द शो, इट इज़ द रोल ऑफ अ लाइफ टाइम, जाके कर अपनी जिंदगी। हाँ, और मैं पूरा घर संभालूंगा, मेरे बच्चे को, मेरी 87-year-old मदर इन लॉ है, उनको आई टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, डोंट वरी अबाउट होम, जस्ट गो आउट देयर एंड वर्क, आई लव यू फॉर दैट। एंड ये सब जब हुआ तो तब हिम्मत हुई कि आके मैं ये शो कर पाऊँ। एंड राजन, जिनके साथ मैंने 20 साल पहले अपने टेलीविजन करियर की शुरुआत की थी, आज फिर से मैं अपने करियर को रीस्टार्ट कर रही हूँ विथ राजन। सो गॉड इज़ बीन काइंड। नहीं, मैंने कभी भी इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली फॉर मी, मुझे टेलीविजन पे बहुत मैंने लिमिटेड काम इसलिए किया क्योंकि मुझे मेरे किस्म का कॉन्टेंट जल्दी मिलता नहीं था। तो मेरा जो लास्ट टेलीविजन शो था वो था 24, अनिल कपूर साहब के साथ। तो उसके बाद फिर इतना लंबा गैप हुआ। तो अगर आप मेरा करियर ग्राफ देखेंगे तो मैंने टेलीविजन पे सिर्फ उतना ही काम किया जिसमें बहुत कंटेंट स्ट्रांग हुआ करता था। तो कोई ऐसी चीज़ मैं नहीं कर पाया जिसमें कंटेंट उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। कभी भी मैंने ये सोच के नहीं किया कि नहीं नहीं यार, ये टेलीविज़न है और वो फिल्म्स है इसलिए मुझे फिल्म्स करनी। मैंने 35-38 ऑड फिल्म्स करी हुई हैं, हिंदी फिल्म करी है, तमिल फिल्म्स करी हैं, हॉलीवुड फिल्म करी है। बट एज एन आर्टिस्ट मैंने हर कैरेक्टर हर मीडियम में उतना ही ऑनेस्टली काम किया है, उतना ही डेडिकेटेडली काम किया है जितना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो टेलीविज़न पे मुझे थैंक्स टू राजन शाही इस तरह का शो मुझे मिला और उन्होंने मेरे बारे में सोचा। क्योंकि राजन मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, उनको भी पता है कि मैं आई बीन वेरी वेरी पिकी एंड चूजी अबाउट माई वर्क। तो उन्होंने मुझे इस शो के लिए अप्रोच किया बिकॉज उन्होंने मुझे ये बात स्पेसिफिकली बोली कि मैंने बोला भाई मैंने तेरे अलावा और किसी को सोचा ही नहीं है। हाँ। शो में तो दैट टाइम आई सेड कि यार चलो इट्स अ बिग ब्लेसिंग इफ समबडी कैन रियली थिंक ऑफ यू लाइक दैट, कि बॉस सिर्फ सुधांशु पांडे अगर दिखाई दे रहा है एक कैरेक्टर में तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग। सो फॉर मी ऑल्सो इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट एंड इट्स ऑल्सो अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मी टू प्ले दिस कैरेक्टर। सो आई एम वेरी हैप्पी। बिल्कुल मॉन्स्टर्स नहीं यार, मेरे तीनों बच्चे बहुत प्यारे हैं और देखो कितने गुड लुकिंग फैमिली है मेरी, ऐसे सब पति पे गए तो वेरी वेरी स्वीट पीपल दे आर ऑल ऑफ देम, ऑल थ्री ऑफ देम। आई थिंक जब पहले दिन थोड़ा ये था कि हेलो हेलो, अच्छा यू आर पारस, योर यू नो आशीष, योर ये पाकी का कैरेक्टर प्ले करेंगे, ये सारा था। बट आई थिंक सेकेंड डे से वी ऑल बिकेम क्वाइट कम्फर्टेबल विथ ईच अदर, और इतनी जल्दी किसी भी शो में ना एक बॉन्डिंग नहीं होती है। तो आज आई थिंक वेरी स्पेशली वन यू आर प्लेइंग अ फैमिली, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बिकम लाइक अ फैमिली, अदरवाइज अगर एक क्वेश्चन नहीं बैठती है तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिलेट टू द कैरेक्टर्स द वे दे शुड, यू नो। सो इफ आई एम प्लेइंग अ फादर देन द सन हैज़ टू रिलेट टू मी एज अ फादर, और द कम्फर्ट लेवल हैज़ टू बी सच दैट वी कैन प्ले दैट यू नो दैट रिलेशनशिप बिटवीन अस। दैट इज दैट्स अ बिग ब्लेसिंग दैट ऑल ऑफ अस हैव। अनकंफर्टेबल होना है फिर भी हम लोग कंफर्टेबल हैं। हाँ
हम तो बहुत बहुत कंफर्टेबल। बड़ी तकलीफ होती जब मुझे इसके साथ डिस्कम्फर्ट दिखाना होता ऑन स्क्रीन।